गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे धानी सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो कि आप देख सकते हैं अभी काफी टाइम से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है। और हम यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फ्रेश बाइक कब आ सकती है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के नियर बाय है। तो सपोर्ट के नियर बाय है तो यहाँ पे दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो सपोर्ट ब्रेक हो जाए या फिर सपोर्ट से मार्केट रिवर्स कर जाए। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज के अकॉर्डिंग भी मार्केट नेगेटिव है, 1 मंथ के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव है, 6 मंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटिव है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग 73 है, एंड ऑल टाइम हमारा नेगेटिव ही शो हो रहा है। राइट, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी की, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। हालांकि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव है, फिर भी देख सकते हैं 2172 का बाइंग ऑर्डर है, जो कि बाइंग का बिड प्राइस देख सकते हैं 43.70 का इस पर बिड प्राइस है। ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फिर भी पॉजिटिव तो है ये, मतलब बिड बाइंग तो है। हालांकि नेगेटिव एक भी सेलिंग के लिए यहाँ पे प्रेफर नहीं है फिलहाल में। एंड अब बात करते हैं बीएससी पे, तो बीएससी पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 51.31% की यहाँ पे बाइंग रखी गई है, एंड जो कि डिलीवरेबल है। एंड सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ इसका ए हमारा है प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, धानी सर्विसेज कंसोलिडेटेड सितंबर का जो रिजल्ट आया है वो है 130.16 CR का है, जो कि हमारा है 61.11% का यहाँ पे डाउन मोमेंटम का यहाँ पे शो हुआ है, डाउनफॉल शो हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हमारी नेगेटिव रैली यहाँ पे देखने को मिली है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए क्योंकि ये देखिए इसका जो वीकनेसेस है वो 11 है, नेगेटिव ब्रेक डाउन फर्स्ट सपोर्ट। जो इंट्राडे करते हैं वो तो शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है। राइट, बट जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वेट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा मोमेंटम आए बाइक मोमेंटम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का है, 3 अपॉर्चुनिटी है, 1 ओनली, वीकनेसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए। मैं आपको प्राइस एक्शन भी दिखा देती हूँ क्या चार्ट कह रहा है। ये 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स। राइट, यहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम था, 300-400 का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग 400 का प्राइस है। ये देखिए ये मोमेंटम देखिए, 400 का प्राइस, 300 का, उसके बाद कितना तगड़ा फॉल, एंड अगेन मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, एंड अगेन फॉल, फिर यहाँ पे एक काफ़ी मोमेंटम अपसाइड जाने की मार्केट ने कोशिश करी है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने बड़े बड़े फॉल होने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड जाने की कोशिश करी है, इसको भी ब्रेक किया है, एंड पिछले लो को इसने रिस्पेक्ट भी किया है, बट अभी उसके बाद अगेन फॉल। अब मैं आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, यही ये देख सकते हैं। मैं आपको ना इसको वीकली में दिखाती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मंडे के अकॉर्डिंग तो अभी सपोर्ट इसके नियर बाय का ही है। वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो दिखेगा हमें, वेट करते हैं भी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ये है हमारा डे का और ये है हमारा वीकली, अभी अपडेट हो जाएगा, ये हो जाए अपडेट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ, अभी हो नहीं रहा ये, हो गया वीकली अपडेट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वीकली अपडेट हो चुका है। राइट, तो मैं आपको वीकली दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं वीकली अपडेट में आप ये देख सकते हैं 800 तक का प्राइस जा चुका है हाई। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, कितना तगड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि बहुत पुराना है, लगभग 10 साल तक का पीछे का मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी कभी कभी हमें देख लेना चाहिए। राइट, उतना तगड़ा हम नहीं देखेंगे, अभी रिसेंटली ये वाला देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक हमारा जो सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, ये देख रहे हैं आपको, ये जो कि इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, जो इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस लिया है 60 रुपये पे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ये वाला हमारा सपोर्ट है, ये देख सकते हैं, जो कि इसका प्राइस है, मैं आपको दिखा देती हूँ, सुन करके ये देख सकते हैं इसका जो प्राइस है हमारा 30 रुपये है, कितना है फ्रेंड्स, 30 रुपये, जो कि यहाँ से मार्केट इस वाले ब्रेक को ब्रेक इसने कर दिया था, फिर जो बॉडी से विक के साथ नहीं गया था इसका ऊपर सेकेंड में यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, वेट करेंगे तब जाके हमें एक अच्छा बाइंग होता है, कि हम जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो जल्दबाजी में आप लोग ट्रेड ले लो फिर लॉस हो जाए, क्या फायदा, कैपिटल रहेगी तो बहुत पैसे कमा लेंगे, जब कैपिटल ही नहीं रहेगी तो कमाएंगे कहाँ से, वही चीज है ना। ये देख रहे हैं आपको
30 रुपीज का यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, जहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब 2 से 3 दिन आपको और वेट करना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं 60 के प्राइस को 43 आने में कितने दिन लगे, 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगे हैं। तो 30 तक आने में लगभग वही 3-4 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। 3-4 दिन हम यहाँ पे वेट कर लेंगे, उसके बाद 30 तक प्राइस आएगा। 30 पे अगर हमें कोई अच्छी खासी बाइंग कैंडल दिखेगी देन हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी कम होगा, 30 के नीचे थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का प्राइस हमारा 60 तक का टारगेट, ऑलमोस्ट डबल, 30 से 60 लगभग डबल। लेकिन हमारा सेकंड टारगेट है 60, फर्स्ट टारगेट हमारा ये पॉइंट रहेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यही 43 का, एंड क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है 40, मतलब 40 का भी हम रख सकते हैं। 42-43 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 60 एंड थर्ड टारगेट हमारा 70। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली किसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जिसमें आपको ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करना पड़ता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप सोचो कि इतना हो जाए इतना हो जाए, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म भैया वेट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो अभी आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे फॉर द प्राइस ऑफ 30। 30 के प्राइस तक आपको आई रिकमेंडेड, मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको कह रही हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसे आप जब भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। शेयर मार्केट तो 9 to 6 सॉरी 9 to 3 ओपन ही है, राइट। एंड यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे, 28 लैक्स यस्टरडे का है, 30 लैक्स, एंड बाकी में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे है मार्केट में। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। बाइंग ऑर्डर अभी भी 76% की बाइंग है, 33% के लोग होल्ड यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड इसलिए किया है मतलब अब जिन्होंने ले लिया होगा वो होल्ड करके ही रखेंगे। फ्रेश बाइंग अभी लेकिन मत लेना यार, 1-2-4 दिन रुक जाना, उसके बाद ही लेना, फालतू में ले भी सकते हैं। मतलब जो एवरेजिंग करते हैं, जैसे वहाँ पे ले लिया अभी ले लिया, फिर थोड़ा और गिरा फिर थोड़ा सा ले लिया, अगर आपको एवरेजिंग के तौर पर करना है तो आप ले सकते हैं, बट हम 30 तक वेट तो कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है। उसके अलावा ये हमारे कुछ मार्केट की कैपिटलाइजेशन हम देख सकते हैं, मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 2633, करंट प्राइस है 43.7, हाई लो 174, लो एट 128 ऑफ फेस वैल्यू, और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली डील करती है फाइनेंशियल में, धानी का नाम सब जानते होंगे, इसमें हमें लोन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, स्टॉक्स ब्रोकिंग है, फाइनेंशियल में है बेसिकली। एंड इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, राइट, जब मार्केट ने काफ़ी ऐसा मोमेंटम में दिया था, अभी तो वॉल्यूम डाउन है एंड डाउनफॉल में ही शो कर रहा है, डाउन में इसलिए क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, मतलब कि डाउन ट्रेंड है ये। एंड कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी ने अपने डेप्ट भी रिड्यूस किया, वेल एंड गुड। एंड बैलेंस शीट भी देखेंगे तो बैलेंस शीट में रिजर्वेशन वेल एंड गुड है, 3971, एंड बोरोइंग्स है 1369, एंड इन्वेस्टमेंट है 380। एंड इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी हम देखेंगे तो प्रमोटर है 33 प्रमोटर्स का है, बाकी पब्लिक का पैसा है, FII का तगड़ा पैसा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 18.34%, इतना पैसा अगर FII ने लगाया है तो कुछ लॉन्ग टर्म विजन से ही लगाया है ना, मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, बट अभी इस क्वार्टर का ना रिजल्ट थोड़ा सा लो आया है, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है देन हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्लान करेंगे, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पैरा सा बेल आइकन दिया होगा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी शेयर के रिगार्डिंग एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आपको उसके ऊपर एनालिसिस वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय प्रॉफिट्स, एंड कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।